देखिए ये आपका जो लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार हो गया, सरसों खली जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे कई गुना ये पावरफुल फर्टिलाइजर बन के ये देखिए रेडी हो गया। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि आज एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में बताएंगे जो अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो एक पौधे के लिए संपूर्ण पोषक तत्व पूरा मेंटेन कर देगा और पौधे के किसी भी कंडीशन पे, पौधे की चाहे फूल की कंडीशन पे, चाहे ग्रोथ की कंडीशन पे, चाहे एकदम सबसे छोटा पौधा हो जब ग्रो कर रहा उस कंडीशन पे किसी भी समय इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसके रिस्पांस है। दोस्तों आपको तो एक वीडियो का अच्छा, वीडियो को लाइक करें क्योंकि वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि लिक्विड फर्टिलाइजर आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में बहुत ऐसे हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं और देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको हम बताएँ कि जो इस लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में हम बताने जा रहे हैं, सबसे पहले उसमें लेना है मस्टर्ड केक, सरसों खली। दोस्तों सरसों खली का कुछ हम भ्रम आपको दूर कर दें कि सरसों खली किसी भी महीने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब किसी भी समय, बरसात में, गर्मी में, ठंडी के मौसम में, किसी भी समय इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अत गर्मी और ठंडी के मौसम में आप एक ही डोज इस्तेमाल करना है, बरसात के मौसम में कुछ आपको अलग इसका डोज इस्तेमाल करना है। दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बहुत डिटेल्स दूंगा जानकारी कि कब कब कितना कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि एक लिया हूँ बाल्टी और बाल्टी मैंने 5 से 6 लीटर पानी लिया, आप देख रहे हैं। और इस 5 से 6 लीटर पानी में हमें इस्तेमाल करना है 250 ग्राम सरसों की खली। और सरसों खली दोस्तों जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कहीं ना कहीं आज के डेट में ये बहुत ही फेमस है सरसों की खली। और बहुत लोग सरसों खली कहते हैं मिलता कहाँ, आप अगर कहीं नहीं आपको सरसों खली मिल रहा है तो आप ऑनलाइन सरसों खली परचेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसको डाल दिया 250 ग्राम सरसों खली को। अब इसमें आपको इस्तेमाल करना है बर्मी कंपोस्ट। दोस्तों बर्मी कंपोस्ट जो सड़ी हुई गोबर खाद नहीं इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना है आपको बर्मी कंपोस्ट को, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल दे रहे हैं कि सड़ी हुई गोबर खाद नहीं इस्तेमाल करिए, आप इस्तेमाल करिए इसमें बर्मी कंपोस्ट। क्योंकि सड़ी हुई गोबर खाद जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए कुछ और इसमें आपको मिक्स करना पड़ेगा, लेकिन ये नेसेसरी है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट इसमें इस्तेमाल करना 1 kg। दोस्तों आप जानते हैं कि बर्मी कंपोस्ट में भी बहुत ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, फास्फोरस बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। देखिए मैंने 1 kg बर्मी कंपोस्ट, 250 ग्राम सरसों खली और देखिए तीसरा जो मैंने इसमें ले रखा है सीवीड फर्टिलाइज़र। दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र का अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो ये लिक्विड में भी आता है और ड्राई फॉर्म में आता है, तो मैं ड्राई फॉर्म में इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ और लिक्विड फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया उसका रिस्पांस है, 1 लीटर पानी में 4 से 5 चम्मच उसको जो लिक्विड फॉर्म में उसको इस्तेमाल करते हैं और ड्राई वाला फॉर्म को हम इसमें ले रहे हैं 50 ग्राम 50 ग्राम इसमें हमको डालना है सीवीड फर्टिलाइज़र। और आपको बताएँ कि जो आपको मस्टर्ड केक में, जो आपको बर्मी कंपोस्ट में नहीं एलिमेंट मिलेंगे, ये सीवीड फर्टिलाइज़र में मिल जाएंगे। इसमें ट्रेस एलिमेंट है जो हमारे पौधों को बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इन तीनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद आपको किसी बर्तन से आपको ढक देना है और ढकने के बाद कम से कम इसको 3 दिन तक इसको छाया जगह रख दीजिए। और आपको बताएं कि जब 3 दिन बाद जब इसको लाइएगा तो कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे 3 दिन बाद और आपको हर एक चीज़ बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सरसों खली कैसे इस्तेमाल करना है, खेतों में कैसे इस्तेमाल करना है, तो हर एक क्वेश्चन का आपका हम जवाब देंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे 3 दिन बाद। आज पूरे 3 दिन हो गया है और देखिए बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन क्रिया हुई है। इसको आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और देखिए ये आपका जो लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार हो गया, सरसों खली जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे कई गुना ये पावरफुल फर्टिलाइज़र बन के ये देखिए रेडी हो गया। अब आपको इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के लिए हम बता दें आपको कि आप ध्यान दीजिए या इसको नोट कर लीजिए कि इसको डोज को हमेशा डाउट में रहते हैं कि कितना कितना कितने मात्रा में और कौन सा प्लांट पर इस्तेमाल करना है, तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि मैंने इसमें डाला था 5 लीटर पानी और 5 लीटर पानी में ये लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने बनाया है।
और आपको हम बताएं कि इसमें आपको 25 लीटर ये मिक्स करना था, मीन्स ये आपको बताएं कि इसमें 250 ग्राम सरसों की खली है और आपको बताएं 1 kg वर्मी कंपोस्ट है और 50 ग्राम सीवीड फर्टिलाइजर है। तो इसमें आप पानी मिला सकते हैं 20 लीटर और, यानी हो गया ये 25 लीटर। मीन्स सरसों की खली में लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, आपको बताएं कि 100 ग्राम अगर सरसों की खली आप बना रहे हो उसका खाद, तो 100 ग्राम सरसों की खली को आप कम से कम 10 लीटर पानी में बना सकते हैं। 10 लीटर पानी बना के उसको आप गमलों में 50 ml, 100 ml, 200 ml के हिसाब से आप दे सकते हैं। मैंने इसमें डाला था 250 ml, तो 250 ml डाले हैं, तो इसको 25 लीटर पानी इसमें आपको डालना पड़ेगा। और आपको हम बताएं कि आप गमले में 50 ml से लेके जितने साइज़ के गमला है, 50 ml, 150 ml, 100 ml, 200 ml तक इसको एक प्लांट को आप दे सकते हैं। दूसरी बात बता दें आपको कि इसको किसी भी महीने में किसी भी मौसम में इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को कभी कभी दिक्कत हो जाती है बरसात के मौसम में, ठंडी में और गर्मी में, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बिंदास ये फर्टिलाइज़र है, इसको आप इस्तेमाल करिए। इसके इससे बढ़िया तो कोई और फर्टिलाइज़र है नहीं और सस्ता भी है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं। सरसों खली आप जानते होंगे कितना सस्ता ये मिलता है। आपको बताएं कि उसके बाद बरसात में कभी कभी किसी को अगर शिकायत आती है, तो एक काम ये करना है कि 100 ग्राम खली में जो 10 लीटर पानी आप मिक्स कर रहे हैं, उस पानी को आप कर दीजिए 15 लीटर। अगर शिकायत आती है तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे मौसम धूप नहीं रहता है, छाया रहता है, उस जगह पे आप इसको 100 ग्राम खली में 15 लीटर पानी मिक्स कर दीजिए और यही रेशियो लेके आप बनाइए, बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस आपको मिलेगा। उसके बाद हम बता दें आपको कि इसको आप कभी भी भूल के स्टोर ना करिएगा, एक बार जितना आपको हो सकता है उतना बनाइए और उतना ही आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। एक बात और हम बता दें आपको कि आज के डेट में इस समय बहुत तेज़ी से सरसों खली के लोग बना रहे हैं और बना के अपने पौधे को दे रहे हैं, लेकिन हम बताएं आपको कि इसको कब किस स्टेज पे आपके पौधे को देना है। दूसरी बात बता दें आपको कि जब आपका पौधा 10 से 15 दिन का ग्रो हो गया, चाहे गमले में हो, चाहे ग्रो बैग में हो, चाहे कंटेनर में हो या ज़मीन में हो, 10 से 15 दिन गमले का पौधा या ज़मीन का पौधा हो गया है, उस समय आप इसको सरसों खली देना स्टार्ट करेंगे। और इसको आप ग्रोथ के समय भी दे सकते हैं, जब आपके पौधे में फ्लावरिंग कंडीशन उस समय भी दे सकते हैं, बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस मिलेगा इसमें। और आपको होता है कि जब फ्रूटिंग का समय है उसमें भी दे सकते हैं, कोई इसको दिक्कत नहीं है। आपको बताएं कि महीने में केवल इसको एक बार इस्तेमाल करना है, ये इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम बता दें आपको कि एक काम बता दें आपको कि इस समय जो ये करीब करीब जून का लास्ट का महीना चल रहा है और इसमें धान की रुपाई लोगों की बहुत तेज़ी से चल रही है, ये मैं टॉपिक से कुछ अलग हटके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसको अगर धान में भी इस्तेमाल करेंगे सरसों की खली को, तो बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस मिलेगा। इस्तेमाल कैसे करना है, अगर 1 acre को धान लगाए हैं तो धान की रुपाई कर दीजिए, रुपाई करने के बाद आपको करना है कि 15 दिन बाद सरसों की खली लेना है, 1 acre ज़मीन में 15 kg सरसों खली लेना है, सरसों खली को चूरा बना लेना है, चूरा बनाने के बाद आप खेत में डलवा दीजिए। और आपको बताएं कि उस खेत में पानी दोबारा तभी आप दीजिएगा, अगर बारिश का पानी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जब पानी देने की नौबत है तो जब आपके खेत में पूरा पानी एकदम एडजॉर्ब कर जाए, मिट्टी सूख जाए, लगे कि आपको नहीं अब हमारे खेत में पानी की आवश्यकता है, उस समय पानी दीजिए। आपको बताएंगे जब उस समय पानी आप देंगे तो 4 से 5 दिन बाद अपने धान की ग्रोथ आप देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया धान का ग्रोथ होगा और कल्ले की संख्या, जो कल्ले होते हैं, क्योंकि आप अपने धान में कल्ले की संख्या बढ़ाएंगे तो आपकी पैदावार बढ़ के आएगी, क्योंकि जितने कल्ले आएंगे उतनी बालियाँ आएंगी, जितने बालियाँ आएंगी उतने आपको दाने आएंगे और दाने आएंगे तो आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों ये टॉपिक से अलग हट के था, लेकिन आप इसे इस्तेमाल करिए धान के खेत में भी, क्योंकि बहुत लोग हैं जो धान की खेती इसमें बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, इसमें इस्तेमाल करिए, बहुत बड़े रिस्पांस मिलेगा। डोज याद कर लीजिए, 1 acre में 15 kg से अधिक आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपका थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।